नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगर के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है जो SEO में चल रहा है। SEO करने के लिए हमने पहले बताया था कि सेटिंग में चलते हैं, और यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे क्या करना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पोस्ट के लिहाज से SEO पे चर्चा करते हैं। पोस्ट को हम ऑन करते हैं और यहाँ पर इसको एडिट पे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देखिए, दो ऑप्शन ऑन हो गए हैं। एक सर्च डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखा था वो भी यहाँ पे ऑन हो गया है, और दूसरा ऑन हुआ है रोबोट टैग। रोबोट टैग में देखिए दोस्तों, हमने ऑल इंडेक्स किया था और नोट भी किया था, ये भी डिफ़ॉल्ट के रूप में ले चुका है। दोस्तों अब ये सर्च डिस्क्रिप्शन है, तो आप इस ब्लॉग के बारे में, अब यहाँ पे ये जो ब्लॉग क्या है, ये जो पोस्ट है, इसके बारे में यहाँ बेहतरीन कीवर्ड आप सर्च करके इसको डाल सकते हैं, और जिससे आपका पेज की रैंकिंग जो होगी वो हाई होती है। तो इसको कैसे, मान लीजिए हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आप इस तरीके से यूनिक कीवर्ड इस ब्लॉग के बारे में ढूंढ करके इसको यहाँ पे कर लीजिए। तो क्या करेगा रोबोट जो होगा, पहले इन्हीं कंटेंट को क्रॉल करेगा, और जिससे पेज की रैंकिंग अच्छी होती है दोस्तों। लेकिन कुछ मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आप ज़रूर जानें, जैसे ये जो है टाइटल जो है वो बहुत छोटा है, तो इसको कम से कम आप 60 करेक्टर के अंदर करिए, 60 और 40 के बीच में करिए। ऐसा नहीं बहुत छोटा है तो काम चल जाएगा, 40 और 60 के बीच में, ये 40 नहीं हो रहा, 35 और 60 के बीच में ज़रूर होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और ताकि ये जो है थोड़ा सा 40 करेक्टर के आसपास बन जाए। दोस्तों ध्यान दीजिए कि हेडिंग और सब हेडिंग को भी ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, ये हेडिंग जो है यहाँ पे H1 H2 पे है, और हेडिंग जो होती, ये जो होता है H1 होता है, H2 होता है, और जो ये सब हेडिंग होती है वो H3 होती है। यहीं पे आप कहीं देख सकते हैं, ये H3 है यहाँ पे। तो इन सब सारी चीज़ों को आप एडजस्ट करिए, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को ज़रूर सबमिट करिए अपने उसमें, और जो कीवर्ड हो वो टाइटल में भी प्रयास करिए, टाइटल में भी रहे और इसमें भी रहे। जो जिस ट्यूटोरियल सॉरी जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कीवर्ड को आपने प्लान किया है, ये कीवर्ड हमें ऊपर लाना है। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति भी गूगल में जो है वो कीवर्ड डालता है तो हमारा ये पेज आए, तो उसमें देखिए, जैसे मैंने ब्लॉगर को अगर टारगेट किया है तो ब्लॉगर 3-4 जगह पे मिलना चाहिए, एक हेडिंग में मिलना चाहिए, एक पोस्ट में मिलना चाहिए, और ये देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पे भी देखिए एक गलती हुई होगी, यहाँ पे ब्लॉगर वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो है सर्च प्रेफरेंसेस का जो हमने वो लिखा है ये पूरा सही नहीं है। यहाँ पे हाउ पब्लिश द पोस्ट ब्लॉगर, यहाँ पे एक कीवर्ड ज़रूर आप डालिए, ताकि इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आप इसमें शामिल करिए, ताकि वो कम से कम 2 बार या 3 बार इसके पेज, मतलब ये इसमें हो, पैराग्राफ में हो, 1 या 2 बार हेडिंग में हो, 2 बार नहीं तो 1 बार तो कम से कम, और टाइटल में वो ज़रूर सबमिट हो। टाइटल में सबमिट होने के बाद क्या होता हो, परमा लिंक में भी सम्मिलित हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप करते हैं तो ये देखिए ब्लॉगर जो है परमा लिंक में भी हो गया। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके ब्लॉगर की पेज, जो ब्लॉगर का पोस्ट और पेज है, उसका रैंक हाई होने लगता है। इसको यहाँ से अपडेट कर लीजिए, और दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है कि जो इसमें ये था यहाँ पे रोबोट टैग को यहाँ पे बदलने कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सर्च प्रेफरेंसेस जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उसको पहले ही कर चुके हैं। सेटिंग में जाकर प्रेफरेंसेस में अब हम पेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पेज के बारे में इन 3 प्राइवेसी डिस्क्लेमर और कॉन्टेक्ट अस को, इसको नो इंडेक्स करना है दोस्तों।
यहाँ पे खोल करके यहाँ पे सर्च प्रेफरेंसेस में कुछ मत लिखिए और ये डिफ़ॉल्ट जो है इसको नो इंडेक्स कर देना है। यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे नो इंडेक्स कर देना है। नो इंडेक्स करने का मतलब यहाँ इसको हटा दीजिए नोट पी से। नो इंडेक्स का मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पेज को वो इंडेक्स करें, तो ये गूगल छोड़ देगा इस पेज को। ये तीन पेजेस को आपको नो इंडेक्स करना है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे है इसको उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आपने पोस्ट किया। तो जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने एक चीज़ लिखा है, मैंने एक लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे रोबोट TXT में देखता हूँ, सॉरी रोबोट टैग में देखता हूँ क्या है। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, नोट पी है और ये है डिफ़ॉल्ट के रूप में ले चुका है। अगर आप इसमें बदलाव, लेकिन बदलाव नहीं करना है क्योंकि हमें इसको इंडेक्स कराना है, तो इसको ले लेना है और अपडेट कर देना। इस तरीके से पोस्ट और पेजेस के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, हमने इसके बारे में चर्चा किया। अन्य वीडियो में SEO के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस वीडियो को देखा। ओके, थैंक यू।